अस्पताल में अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाए एक माँ दहाड़े मार मार कर रो रही है। बिलख रही है, उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेटा तो उसे छोड़ के बहुत दूर जा चुका है। एक माँ की गोद अब सूनी हो चुकी है, क्योंकि कुछ जालिमों ने उसके घर का चिराग बुझा दिया। एक माँ से उसकी औलाद छीन ली, उसकी आंखों के तारे को उससे दूर कर दिया। किसी की भी आंखों को नम कर देने वाली ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां आरोप है कि दोस्त ने ही दोस्त का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामला मेरठ के शहर कोतवाली थाना इलाके के शाहखासा बाजार का है। यहां अब्दुल्ला और समद नाम के लड़कों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन 4 महीने पहले ही दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब्दुल्ला की मां शाहीन का आरोप है कि रात के वक्त समद अपने दो दोस्तों के साथ आया और अब्दुल्ला को घर से बुलाकर ले गया, फिर घर से 50 कदम की दूरी पर ले जाकर चाकू से अब्दुल्ला के पेट पर कई वार किए। शोर मचा, समद और उसके साथ ही भाग निकले। खून से लथपथ अब्दुल्ला जमीन पर गिर गया और फिर परिजन मौके पर पहुंचे। ये हमारे मोहल्ले का बच्चा है, अपनी माँ का अकेला है, इसके बाप भी नहीं था, इसकी माँ ने छोटे छोटे से पालाए थे। बहुत गरीब, बहुत ही गरीब हालत है। ये लोग सगासे पे बैठे थे, कुछ इनकी कहा सुनी हुई, कुछ नशे पत्ते वाले लोग थे, ये भी बैठता था। उसमें बहुत बड़ा विवाद हो गया जो ना होना चाहिए था। भैया मुझे भी बड़ी वारा रोना वारा दिल से, इसका भैया बेरहमी से कत्ल हो गया। अब पुलिस नाश फैसन दिया है, पूरा पुलिस इनके साथ है। गंभीर हालत में अब्दुल्ला को पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है, साथ ही उनकी गिरफ्तारी की टीम भी गठित कर दी है। अब देखना ये है कि इस मां को इंसाफ कब मिलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।